प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी वीडियो का साइज कैसे कम कर सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी खराब किए हुए। दोस्तों अगर आपके पास 1 GB की कोई वीडियो है, अगर आप उसे 100 MB से कम की करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राघव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू राघव। दोस्तों ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ VLC मीडिया से। दोस्तों आप किसी भी वीडियो का साइज बहुत आसानी से कम कर सकते हैं उसकी बिना क्वालिटी खराब किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है 45। इसकी पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ, ये वीडियो जो है वो कितने साइज का है। आप देख रहे हैं कि इसका साइज जो है वो 99.9 MB की वीडियो है। अब मैं इसे लगभग इसे 10 MB का ये वीडियो आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना VLC मीडिया प्लेयर जो है वो ओपन करना है। दोस्तों आप जैसे VLC मीडिया ओपन कर लेंगे तो सबसे ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं मीडिया का, आपको इस पे क्लिक करना है। और यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट सेव का, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको एक इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं ऐड का। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वही कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको अपनी जो वीडियो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी वीडियो किसी पार्टीशन में पड़ी हुई तो आप पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी जो वीडियो वो डेस्कटॉप पे डाल रखी है तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लिया है। अब यहाँ पे मेरी वीडियो थी 45 नाम से, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरी वीडियो है और यहाँ पे MB दिखा रहा है 99.9 MB की। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से इसे ओपन कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कन्वर्ट सेव पे क्लिक करना है। कन्वर्ट सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे वीडियो का नाम सेव करना है। मान लीजिए ये वीडियो जो है 45 के नाम से थी, जब ये वीडियो कम साइज की हो जाएगी तो आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहूंगा और इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ 000 000 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो का साइज जो है वो कम होने लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, अब ये वीडियो का साइज जो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो चुका है। ये कम से कम मुश्किल से 1 मिनट लेगा और इस वीडियो का साइज जो वो कम हो जाएगा बिना क्वालिटी खराब किए हुए। दोस्तों जैसी आपकी क्वालिटी उस वीडियो में थी वैसे ही क्वालिटी में रहेगी। दोस्तों मान लीजिए आप बहुत से लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, 500 MB का वीडियो है वो उन्होंने डायरेक्ट YouTube पे डाल दिया, तो दोस्तों आप इस तरीके से इसका साइज कम कर सकते हैं। और इसमें ये बात अच्छी है कि इसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो कितना कम हो सकता है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा हो चुका है, इसके बाद आपको ये यहाँ से हटा देना है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सेव किया था 000 के नाम से और पहली वाली वीडियो का मैं आपको साइज दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 99.9 MB की ये वीडियो थी, जब मैंने इसका साइज कम किया तो इसका साइज हो चुका है 13.6 का हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी वीडियो का साइज कम कर सकते हैं उसकी बिना क्वालिटी खराब किए हुए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।